1 क्लास बेटे हमने पहले ऊपर टेबल सीखा था कैसे फॉर्मूले जो हैं उसके कॉर्डेंट्स वाले वो बनाने, आज हम वो सीखेंगे उस टेबल से। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए आपके उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेबल जो आपने मैंने बोला ना अपने माइंड में सेट करो वो पहले होना चाहिए, देन उसके बाद आप ये फॉर्मूले कर सकते हो। जैसे 180 माइनस थीटा, अब मैं मेरे पास बना हुआ है मैं वही बता रही हूँ। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो कौन से क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आपने ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। जैसे 180 से कम है ना तो 90 और 180 के बीच में आएगा, मीन्स 180 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में आपके पास क्या है, देखो हमें साइन चाहिए था तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस साइन का होता है, पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव आए तो हम माइनस लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है ये, हमने कुछ साइन नहीं लगाया आगे, बस आपने 180 को छोड़ देना और सीधा क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आता है जैसे कॉस 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आप लोग पहले फाइंड आउट करोगे 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ 180 से ज्यादा मीन्स 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर आपने देखना है उसमें क्या मांगा था हमें, कॉस। तो कॉस देखो इसमें क्या है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, मीन्स मतलब क्या है हमारे पास, कॉस क्या हुआ यहाँ पर, नेगेटिव। तो माइनस, अब ये 180 छोड़ देना, सीधा क्या आएगा, कॉस थीटा। इसी तरह से हमारे पास आएगा जैसे tan 360 माइनस थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन में आएगा, आपको आंसर दूसरा लिखना है कि क्या बनता है। 360 माइनस थीटा फाइंड आउट करो कौन से में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, tan, लेकिन यहाँ पे सिर्फ cos और secant पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, माइनस आएगा और यहाँ पे इसका सीधा क्या आएगा, tan थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट मैं एक और करवा रही हूँ, cot 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा में 360 से ज्यादा, तो वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं 360 प्लस थीटा, उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन cos tan कोई भी आ जाए वो सारे पॉजिटिव होंगे, सीधा इसका आंसर क्या आएगा, cot थीटा। इस तरह से बेटे आपने इसके फॉर्मूलेज बनाने हैं, मैं आप लोगों को दूंगी। पहले मैंने हर एक की अलग अलग की टाइप दे दी, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारा मैंने आपको दे दिया। अब ये थे 180 और 360 वाले, लेकिन अगर आपका 90 या 270 आता है तो क्या होगा, उसमें बेटा को एंग लग जाता है। देखो 90 और 270 में को का फर्क पड़ता है, को का मतलब क्या है, अगर आपके पास साइन है तो को लगाओगे तो क्या बनेगा, कोसाइन, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का क्या बनेगा, साइन। प्लस नहीं लगा, जैसे यहाँ पे साइन है इसके आगे को नहीं ना लगा हुआ, तो को आंसर जो बनेगा वो को लग के बनेगा, को लगा दो क्या बनेगा, कोसाइन, जहां को लगा है उसको हटा दो, को हटा तो क्या बच गया, एस, एस से क्या होता है हमेशा साइन, एस से हमेशा हमने साइन लेना है, सी से हमेशा कॉस और टी से हमेशा टेन, मतलब साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन। इसी तरह से टेन है, इसके आगे को नहीं लगा तो कोटेन बन जाएगा, लगाएंगे तो कोटेन मीन कॉट, कॉट बनेगा, और अगर कॉट हो तो सी ओ हट जाएगा, इसका को हट जाएगा तो टी, टी मीन्स टेन, साइन का कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सीकेंड का जब हम को लगाएंगे कोसीकेंड बन जाएगा, और ये जो कोसीकेंड आ जाए तो को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंड बन जाएगा। मतलब ये कब करना है, जब हमारे पास 90 और 270 हो तो को फंक्शन लगता है, जहां को आगे नहीं लगा है उनमें को लग जाएगा, और जहां लगा है वहां पे हम उसको हटा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ 90 और 270 में अलाइड फंक्शंस बोलते हैं इसको, एंगल्स बोलते हैं, तो इनको हम जब साइन को कॉस, कॉस का साइन, टेन को कॉट, कॉट का टेन बन जाएगा, इसी तरह सीकेंड को सीकेंड एंड को सीकेंड का सीकेंड, मैंने आपको बता दिया इनको हम अलाइड एंगल्स।